नमस्कार, मैं हुशवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कार्तिक पूर्णिमा इस साल 8 नवंबर को है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान व दान करने से इस पूरे महीने किए गए पूजा पाठ के बराबर फल मिलता है। कार्तिक महीना भगवान विष्णु का अति प्रिय महीना है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा आज गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। साथ ही हिमाचल प्रदेश चुनाव के साथ 8 दिसंबर को मतगणना होगी। पहले राउंड का मतदान 1 दिसंबर को होगा और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को लेकर बड़ी तैयारियां की हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि उम्मीदवार और पार्टी दोनों को ही अपराधों से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक तौर पर दिखानी होंगी। चित्तौड़गढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सीपी जोशी का एक डेली वेजेस कर्मचारी को थप्पड़ जड़ने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इस कर्मचारी पर अफीम लाइसेंस वितरण के दौरान किसानों से वसूली का आरोप है। साल 2000 में हुए लाल किले पर हमले के मामले में दोषी मोहम्मद असफाक आरिफ को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को शीर्ष न्यायालय ने आरिफ की मौत की सजा को बरकरार रखा है। केएल राहुल ने बांग्लादेश के खिलाफ फॉर्म में वापसी करते हुए 50 ठोका और टीम इंडिया के जीत की नींव रखी। बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले नेट्स पर विराट कोहली और केएल राहुल के बीच बातचीत का वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि विराट उन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए कुछ टिप्स दे रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव का नतीजा ईवीएम और चुनाव आयोग की निष्पक्षता का प्रमाण है। राजीव कुमार ने कहा कि गुजरात चुनाव की घोषणा में कोई देरी नहीं हुई है। प्रियंका चोपड़ा के फैंस को उनकी अगली हॉलीवुड फिल्म इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। प्रियंका के साथ सैम ह्यूगन की यह फिल्म अगले साल फरवरी में सिनेमाघरों में हिट होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म 12 मई 2023 को स्क्रीन पर आएगी। सर्वोच्च अदालत में दायर की याचिका में अदालत से गुहार लगाई गई है कि वह सरकार को 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड मुहैया कराने के लिए सरकार को निर्देश जारी करे, ताकि गरीब और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग की बच्चियों को इसके लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने सीबीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। रांची में मसीही विश्वासियों ने मृत विश्वासियों का स्मरण दिवस मनाया। इस दौरान पुरखों की पूजा की और मोमबत्तियां जलाकर याद किया, साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पर भी हमला बोला है। कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय में हिम्मत है तो वह आए और उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री को डराने की कोशिश हो रही है, झारखंड की जनता इसका करारा जवाब देगी। हिमेश रेशमिया ने म्यूजिशियन और सिंगर के तौर पर काफी पॉपुलैरिटी हासिल की है। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया। वे अपने अपकमिंग फिल्म द एक्सपोज फ्रेंचाइजी के साथ कमबैक कर रहे हैं। इस फिल्म का टीजर आज ही लॉन्च हुआ है। प्रवीग एक अलग तरीके से कारों की सर्विस और तकनीकी फीचर्स के लिए हाई क्वालिटी प्राइवेसी पर भी काम कर रही है। 25 नवंबर को लॉन्च के समय इसके बारे में अधिक डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस का खुलासा किया जाएगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को कुलपति की नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप का एक उदाहरण दिखाने के लिए खुली चुनौती दी है। उन्होंने सीएम विजयन के आरोपों को नकारते हुए यहां तक कह दिया कि अगर वो ऐसा एक भी उदाहरण पेश कर सके तो वो इस्तीफा दे देंगे। गुजरात में नई चीजें देखने को मिलेंगी, जिसमें 182 दिव्यांग के लिए पोलिंग स्टेशन होंगे। इसके साथ ही युवा वोटर्स के लिए भी हर जिले में एक बूथ ऐसा होगा जहां पर सबसे कम उम्र के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि वह अगले हफ्ते होने वाले मिस्र के जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उनका यह फैसला कुर्सी संभालने के बाद पहला बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। COP 27 संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 27वीं सालाना बैठक है। इस बार यह बैठक मिस्र के शर्म अल शेख में 6 से 18 नवंबर के बीच होने वाला है। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का दाम 0.54% की गिरावट के साथ 50,332 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर कारोबार कर रहा है। सोने के ये दाम इसके दिसंबर वायदा के लिए हैं। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 51 रुपए की तेजी के साथ 50,964 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था।
संबित पात्रा ने पूछा कि राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार में क्यों नहीं आना चाहते हैं, क्या स्थानीय नेताओं ने उनको मना किया है? क्योंकि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कांग्रेस हारती है, सोनिया गांधी छुट्टियां मनाने आई हैं, कांग्रेस के लिए हिमाचल हॉलीडे डेस्टिनेशन है जबकि बीजेपी के लिए विकास डेस्टिनेशन है, सोनिया गांधी शिमला में है, बावजूद इसके कोई जनसभा क्यों नहीं कर रही है? मध्य प्रदेश पुलिस की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर कोटा के खतौली के एक किसान धर्मेंद्र पारेता ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। सैकड़ों लोग शव को लेकर प्रदर्शन के लिए 250 किलोमीटर दूर एमपी के जलालपुरा पहुंच गए, यहां शव रखकर प्रदर्शन किया और तभी एमपी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और आंसू गैस के गोले दागे। अजय विश्नोई ने कहा कि रिंग रोड के साथ अगर लॉजिस्टिक हब भी विकसित किया जाएगा तो इससे जबलपुर और आसपास के तमाम जिलों के व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी, रिंग रोड के जरिए व्यापार को भी बढ़ाया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजधानी को गैस चैम्बर बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को गैस चैम्बर किसने बना दिया है, इस पर कोई शक नहीं है। पंजाब में 2021 में खेत की आग मामले में 19% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है, वहीं हरियाणा में 30.6% की गिरावट देखी गई है। आज ही पंजाब में 3634 जगह आग लग गई है। पीएम मोदी ने सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाले सीवीसी जैसे संगठनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिल्म एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा पर मिस बारबाडोस ने मिस वर्ल्ड 2000 के दौरान फेवर देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2000 के दौरान प्रियंका चोपड़ा को कई फेवर दिए गए ताकि वह जीत सके। अपने नए वीडियो में मिस बारबाडोस 2000 लैलानी ने प्रियंका चोपड़ा पर आरोप लगाया है। उनके यूट्यूब पर यह वीडियो अपलोड किया गया है। उनके 35,000 फॉलोअर्स भी हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की विचारधारा के ऑनलाइन प्रचार से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत दर्ज मामले में 9 आरोपितों पर आरोप तय करते हुए पटियाला हाउस की सत्र अदालत ने अहम टिप्पणी की है। NIOS में विभिन्न पदों की हाल ही में विज्ञापित भर्ती के लिए आवेदन किए गए उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 5 नवंबर 2022 को आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने ग्रुप लिमिट बढ़ाने के साथ ही ग्रुप वीडियो कॉलिंग की लिमिट भी बढ़ा दी है। व्हाट्सएप यूजर्स अब ग्रुप वीडियो में कॉल में 32 सदस्यों को जोड़ सकते हैं। यह एक बड़ा अपग्रेड है जो व्हाट्सएप ने पहले ग्रुप वीडियो कॉल पर लगाया था। बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स सितंबर के 6 महीने के निचले स्तर 54.3 से बढ़कर अक्टूबर में 55.1 पर हो गया है, जो विकास की तेज रफ्तार की ओर इशारा करता है। लगातार 15वें महीने PMI का आंकड़ा 50 से ऊपर बना हुआ है। बिहार में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। इस बीच मोकामा में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस गुट के नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने चिराग पासवान की तारीफ की है। पूर्व सांसद ने गुरुवार को मोकामा में मतदान के बाद कहा कि चिराग पासवान देश में दलितों के बड़े नेता हैं। इस बयान के बाद सियासी चर्चा तेज हो गई है कि क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच समझौता हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना में 12वां दिन है। गुरुवार को यात्रा की शुरुआत रुद्रम से हुई। इसके बाद ऐसे कई मौके आए जहां राहुल गांधी का अलग अलग अंदाज दिखा। पहले उन्होंने एक बच्चे का कराटे की टेक्निक सिखाई और फिर लोक नृत्य ढिमसा किया। इसके बाद सबसे अलग चीज रही बोनालू सेलिब्रेशन किया, इसमें उन्होंने खुद को कोड़े मारे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आकाश कुमार, सुदर्शन कुमार यादव, ओमकार सिंह, अमरजीत कुमार, बाबूलाल मराठी, श्रीकांत कुमार, पवन पांडे और बबलू आलम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि मोकामा विधानसभा सीट पर हुए मतदान में आपको क्या लगता है, किसकी जीत प्रतिशत अधिक है, भाजपा या फिर महागठबंधन? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।